हे गाइस क्या हालचाल है, आप सारे सर अच्छे हो, तो हम अगेन आ गए बेहतरीन गेम प्ले वीडियो का, जिसमें तबाही हमें सर दबा के होने वाली है यार। और इस वाले गेम प्ले की बात किया तो इस गेम प्ले में शुरुआत ही कुछ ज्यादा अजीब होती है। मतलब हॉट ड्रॉप कर रहे थे पलट प्लाजा, जहां पास तुमको उतरते हुए दो तीन स्क्वाड दिख गई होंगी और हमको भी दिख गई थी, लेकिन हम थंबनेल की अच्छी फोटो लेने के चक्कर में आराम से उतारते हैं और फिर आराम से बंदों को देख रहे होते हैं। उतरते ही अलग लेवल के नशे हो गए थे और फिर हमको मिलती है पिस्तौल और उसके बाद नीचे कुछ बंदे उतरते हैं तो हम सोचते हैं जाकर बजा देंगे और फिर आगे देखिए। नहीं लॉन भैया, मैं हूँ ना अभी लॉन भैया, देखो एक निहत्ता मेरे सामने भाग रहा है। और फिर थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं और उसके बाद बजाने की नाकाम कोशिश, और फिर ऊपर जाने पर हमको मिल जाती है फुल जड़ी वाली गन। वैसे तो नहीं मिलेगी लेकिन अभी मिल जाती है, तो अब हमारे पास पिस्तौल भी नहीं रह गई होती है। और उधर हमारे केपीएस भैया और गॉड भैया युद्ध में सहभागी हो जाते हैं और फिर हम इसकी उठा के आगे जाते हैं कि आगे कुछ लूट मिल जाएगी। और यहाँ भी भाई साहब होते हैं भाई। तो अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था, इतना बढ़िया हॉट ड्रॉप बर्बाद हो जाता है और हमारे गॉड भैया और केपीएस भैया को बढ़िया खा लिया जाता है। तो उसके बाद आराम से जाते हैं लूट कम्प्लीट करते हैं, लेकिन वहाँ भी गाड़ी नहीं मिलती है, पहले ही लेके कोई रफू चक्कर हो गया होता है। तो फिर आगे गाड़ी लेने जाते हैं। अबे बंदा है रे। और हमको सामने ये भाई साहब दिख जाते हैं, तो इनको बढ़िया से बजाते हैं और फिर चेक करते हैं कि और कोई तो नहीं है ना, तो कोई भी नहीं होता है, तो फटाक से इनको फिनिश करते हैं, लूट कंप्लीट करते हैं और गाड़ी उठाते हैं। और फिर फैक्ट्री में हमको फौजड़ी वाली गन चलती हुई दिखाई देती है, तो सीधे वहीं पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पास होते तो चार हैं लेकिन बजा तीन को ही पाते हैं, क्योंकि चौथे भाई साहब तो गाड़ी लेकर रफ चक्कर हो जाते हैं। उनको समझ में आ जाता है कि अब बचने का कोई तरीका है नहीं, तो गाड़ी उठाओ और निकल जाओ, और सोच बढ़िया थी। तो हम भी फिर फटाक से अपने डायनो भैया को रिवाइव देते हैं और फिर फौजड़ी वाले डिब्बे में M249 और ऑग आई थी जो कि हमको बिल्कुल नहीं चाहिए थी। तो फिर गाड़ी उठाते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं, और जब गाड़ी उठा लिए तो फिर फैमिली में आने वाले इसमें कंप्लीट कर ही लेते हैं। जल्दी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल में ना सब्सक्राइब पर माथा टेको, घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली उन्हें बहुत ज्यादा हार्ड है यार। उसके बाद यहाँ पास हमको एक भाई साहब दिखाई देते हैं, तो उनके लिए हम हवाओं में उड़ते हुए आते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो ऑफलाइन होते हैं, तो फटाक से इनको पूरा खाते हैं, फुलझड़ी वाली गन चलाते हैं और फिर उससे बंदे आते हैं। हाँ डिब्बा भी आता है लेकिन बंदे भी आते हैं, तो फिर तबाही करते हैं। तो यहाँ पास हमको समझ में आ गया था कि सामने से फाइट लेते लेते साल दिन और समय सब बीत जाएगा, तो हम चुपचाप राइट से रोटेट मार देते हैं। फायर कंटिन्यू रखो, मस्त डैमेज में देते रहो, और इसका फायदा भी होता है लेकिन एक घाटा भी हो जाता है, आगे बताते हैं क्या होता है। दो नॉक पड़े क्या? तो यहाँ पास एक बेहतरीन स्क्वाड वाइप, तो फटाक से डायनो भैया को रिवाइव देते हैं, क्योंकि वो अकेले अकेले कुछ ज्यादा ही प्रो बन रहे हैं, घुस घुस कर बजा रहे हैं और फिर घुटनों में आ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पबजी मोबाइल लाइट है, पबजी मोबाइल ना ही, अब ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि हम डिब्बा चेक करने जाते हैं और हमने पहले कह दिया था कि MK14 आएगी तो प्लीज दे देना, प्लीज दे देना, लेकिन भाई साहब ज्यादा ही प्रो थे और लेने के बावजूद जाके घुटनों में आ गए, और इनके चक्कर में हमारा गेम प्ले भी चौपट हो जाता है, अब ऐसा हमने क्यों बोला, आगे देखो। सामने से एक स्क्वाड आ रही होती है और हम बेहतरीन स्प्रे देते भी हैं। फिर भी कुछ ना हुआ, मतलब
लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। भाई साहब धाए धाए करके हमको बजाते हैं और उसके बाद हमारे डिब्बे के सामने जाकर मुजरा करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे डायनो भैया कतई प्रो हैं, वो MK-14 ले लिए थे, अब जाकर क्लच मारेंगे और हमारा बदला लेंगे। और हम पहले बोल चुके हैं ये है पबजी मोबाइल लाइट, पबजी मोबाइल ना ही, तो जब कुछ प्लीज करके मांगा जाए तो दे दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब, ज्यादा प्रो थे तो हमारा गेम प्ले तो बर्बाद हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगले गेम प्ले में जाएंगे जहां पास दबा के तबाही होती है। मतलब बढ़िया 18 किल के साथ क्या ही तबाही होगी देखकर तुमको मजा ही आ जाएगा। तो फिर और ड्रॉप करते थर्ड हिल, जहां पास उतरते ही बंदे हमको सामने दिख जाते हैं। और फिर हम बंदों के पास जाकर घुटनों में आ जाते हैं क्योंकि हमारी गन ही नहीं चलती है, और जब तक चलती है तब तक भैया हम घुटनों में आ गए हैं। और उसके बाद फिर देखो आगे क्या होता है। अरे गन वन सब है मेरे। लोयन भैया, लोयन ना, लोयन भैया, लोयन भैया, भाई 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 देखते हैं भाई। हां ओके ओके भाई भाई, बोलो आपके टीममेट को अंकल जी प्यार मोहब्बत दिखा रहे थे, और हम पहले बता चुके हैं कि अगर सामने से बंदे गन पीछे ना रखें तो कृपया उनसे प्यार मोहब्बत ना दिखाएं, नहीं तो फिर वो ऑल पेट मीटअप मीटअप करेंगे और फिर आपको बचा भी देंगे। और यही होता है हमारे अंकल जी के साथ, हमको तो आदत हो गई है, लेकिन अंकल जी अभी नए नए हैं, इनको भी आदत हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो फटाक से अपने मित्रगण को रिवाइव देते हैं और उसके बाद आराम से थर्ड हिल में कूदमकारी करते हुए लूट रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारे तीन नंबर कहते हैं कि सामने से गाड़ी जा रही है और हमको भी दिख जाती है, तो फिर तुम आगे देखो। और यहाँ पर स्प्रे देने की नाकाम कोशिश की जाती है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऊपर का टच काम क्यों नहीं कर रहा है। मतलब ऊपर फायरिंग और स्कोप की बटने हैं, लेकिन वो टच ही नहीं काम कर रहा है। कभी कभी स्कोप नहीं खुलता है, कभी कभी फायरिंग नहीं होती है। तो कोई बात नहीं, फटाक से लेफ्ट से रोटेट मारते हैं और फिर सीधा जाकर रस मारते हैं। और भैया जी लोग आराम से विश्राम कर रहे होते हैं। दो बंदे बचे हैं और रिवाइव दे रहा है एक बंदे को, तीसरे बंदे को। तो यहाँ पास एक स्क्वाड तो बढ़िया से वाइप हो जाती है, लेकिन ये भाई साहब कहाँ चले आ रहे हैं, नहीं मतलब आपको दिख नहीं रहा है कि यहाँ दंगे हो रहे हैं, और दंगों में नहीं जाते हैं, लेकिन ये बात इनको समझ में नहीं आती है। तो ये गाड़ी लेकर आ रहे होते हैं और फिर लॉबी जा रहे होते हैं, और उसके बाद यहाँ पास सबको बजा दिया था तो आराम से लूट कंप्लीट कर रहे होते हैं और फिर गाड़ी उठाकर आगे जा रहे होते हैं। और यहाँ पर हमारी नजरों के सामने से हमारे दो किले ऐसे गायब होते हैं जैसे जैसे क्या ही बोला जाए। उसके बाद फिर एक बेहतरीन स्प्रे हमारी गाड़ी के ऊपर आता है और हमारी गाड़ी धुआं धुआं, और फिर जोन भी आ रहा है तो यहाँ रुकना तो बिल्कुल गलत होगा। तो फिर गाड़ी उठाते हैं और पहले जोन में जाते हैं, और जोन बना था स्पोर्ट, तो स्पोर्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पास हमको भी बंदे नहीं दिख रहे होते हैं, और फिर हम बंदों को ढूंढ रहे होते हैं, और तभी हमको फायरिंग की आवाज आती है। और भाई साहब आराम से अपने विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद तुमने ध्यान दिया हो तो एक और स्क्वाड हमारी ओर आ रही होती है, तो अब इनको बजाते हैं। अच्छा वाइटी
तो ऐसे डैमेज देंगे बस। और अपने को 100% विश्वास था कि इनके पास स्टॉल के होगी, तभी तो भाई साहब इतनी जोश में रस कर रहे हैं। नहीं तो पहले आदमी सोचता है समझता है, लेकिन नहीं, स्टॉल के है तो सीधे घुस जाएंगे और फिर सीधे लॉबी जाएंगे, या तो हम या तो ये। उसके बाद फिर लाल वाला डिब्बा आता है तो हम सोचते हैं कि जाकर लूट लेते हैं, लेकिन तभी एक भाई साहब हमको दिखाई देते हैं। और एक समय के लिए तो मेरी हवा निकल गई थी कि RPG लिए हैं और एम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है भाई साहब के पास, वो बिल्कुल नहीं होती है। और भाई साहब भागम भाग के मूड में होते हैं, तो फिर चलिए भागम भाग करते हैं, क्योंकि हमारे पास भी और कोई काम धंधा नहीं है, हम भी गेम में यही करने आए। तो फाइनली अभय भैया का भाई भाग जाता है और भाई साहब रस करने के लिए आते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, भाई जी को बजा दिया गया, उसके बाद एक स्क्वाड बचती है, तो अब तुम एक स्क्वाड वाइप एंजॉय करो। हाँ भाई बोलो भाई। ये रहा बंदा, ये रहा, अरे लाइन भाई तो गेम खेल रहे हैं, एक नीचे भी है, ठीक है, एक नीचे भी है। लाइन भाई गेम में है ना, वो नहीं आपकी आवाज सुनेंगे, मैं मर गया हूं, मैं आवाज सुन सकता हूं। दो ऊपर है, एक नीचे। हाँ मैच में तो आजा एस्ट्रल के बंदे थे। और ये थे खानदानी स्टोल्के वाले, जिनकी स्क्वाड में एक भी ऐसा परिंदा नहीं होगा जो स्टोल्के ना लिया हो, मतलब परिंदा नहीं बंदा, गलत वर्ड निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, मिल गया चिकन डियर। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में ना सब्सक्राइब करना, मजा को घंटा बजाओ और हमारी फैमिली में, क्योंकि हमारी फैमिली ने बहुत ज्यादा हार्ड है यार। और सेकंड चैनल इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, क्योंकि बैकअप ऑलवेज रही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।